We are starting our exercise 3.2, and in exercise 3.2 we are discussing the addition, subtraction and multiplication of base 2, base 5 and base 8. Now in my first lecture yahan pe main aapko base 2 ka addition, subtraction and multiplication ka bataungi, next pe base 5 ka aur isi tarah next base 8 ka. Firstly we are discussing base 2, to base 2 ke questions ko dekhte hain. सबसे पहले उसकी एडिशन सीखते हैं. यस, तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, जब आप 1+1 करें तो ये 2 आता है, लेकिन आपने यहाँ पर 2 नहीं लिखना. यू डोंट हैव राइट द 2 हेयर बिकॉज कि हमारी बेस ही 2 है. यहाँ पे आपने इस बेस को कन्वर्ट कर लेना है. 2 है तो 2 से आप कन्वर्ट करेंगे टू 1 एंड 0. तो आप यहाँ 0 लिखेंगे और 1 आप इसको एज अ कैरी प्रोवाइड कर देंगे. क्लियर? अगेन 1+1 2 हो जाएगा, 2 का फिर आप यहाँ पे 0 लिखेंगे और 1 आप यहाँ पर एज अ कैरी प्रोवाइड कर. अब यहाँ 3 हो गया, अब आप रफ वर्क में अगेन 3 को कन्वर्ट करेंगे 2 से, तो आपके पास क्या आएगा, 1 एंड 1, 2 वंस आ और 1 बच गया, तो आप यहाँ पर 1 एंड 1 पुट कर दें. देखिएगा दोबारा कि 0 और 1 आपके आंसर में आना चाहिए, इससे बड़ी कोई भी वैल्यू आपके आंसर में नहीं आनी चाहिए. इज इट क्लियर? यस, वो तो थी एडिशन. अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की. सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 0, आपके पास 1 आ गया, 1 माइनस 0 1, 0 1 0. क्लियर? नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है. पहले इनकी बेसिस सेम है, तो पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर हम इसको आंसर को इसमें से माइनस करेंगे. तो प्लस करते हैं, प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 1 0. अगेन 2 आ रहा है, तो 2 की कन्वर्जन हमने की थी, तो क्या आता था, 1 एंड 0. तो आप यहाँ पर 0 एंड 1 लिख देंगे. क्लियर? अब आपने जो आंसर आया है इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. देन आप लिखेंगे नीचे, देन फिर आप क्या करेंगे, ऊपर आप ये आंसर 1 1 1 0 1 1 और जो आपका आंसर है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ज़ीरो ज़ीरो 0 1 0. क्लियर? अगर अब इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन गिवन है तो आप क्या करेंगे, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा 0. अब 0 में से 1 माइनस नहीं होता, जब आप इसको कैरी देंगे 1 से यहाँ पे कैरी आएगा तो कैरी 2 आएगा. याद रखना है आपने कि जो भी बेस होगी आपके पास, द बेस इज ऑलवेज द कैरी. क्लियर? 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, और यहाँ पे अब आपके पास 1 आपने कैरी दे दिया, तो यहाँ 0 बच गया. क्लियर? जो भी बेस होगी जब आप उससे कैरी, सब्ट्रैक्शन में कैरी लेने लगेंगे, तो ऑलवेज कैरी इज द बेस. क्लियर? नाउ कमिंग मल्टीप्लीकेशन. दिस इज द क्वेश्चन गिवन फॉर द मल्टीप्लीकेशन. 1 से जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा. अगेन जब आप 1 से करेंगे तो 1 1 जा, अगेन आपके पास 1 1 ही आएंगे. जब आप 0 से करेंगे तो 0s आ जाएंगे. अगेन 1 1 आएंगे. नाउ 1 का 1 आ जाएगा. जब 2 है तो 2 को आपने कन्वर्ट करना है 1 0, तो आपके पास 0 आएगा, 1 कैरी. 3 हो गया, 3 को भी आप कन्वर्ट करेंगे, 1 आएगा, 1 कैरी. 1 2 3 4 4 का 2 आएगा, 1 कैरी. यस सॉरी, यहाँ पे आएगा 0 और 2 कैरी जाएगा,
अगेन इस तरह 3 4 5 6 7 हो जाएगा, 7 का 1 आएगा 3 कैरी जाएगा, अगेन 3 4 5 6 7 हो जाएगा 1 आएगा 3 कैरी, इसी तरह 6 हो जाएगा 6 का 0 आएगा 3 कैरी, 3 4 5 हो जाएगा 1 आएगा 2 कैरी, 4 हो जाएगा 0 2 कैरी, 2 एंड 1 3 हो गया, 3 को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास 1 1 आ जाता है। सो दिस इज आंसर। अब इसी तरह कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी जिसकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। यस स्टूडेंट्स, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस विच यू हैव टू डू। बेस 2 की एडिशन है, दिस इज़ द सब्ट्रैक्शन एंड द मल्टीप्लिकेशन। यू हैव टू ट्राई दीज क्वेश्चंस, देन यू नो कि आपको इनकी समझ आई है कि नहीं। क्लियर?